नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। बैकुंठपुर थाना अंतर्गत तिलखन गांव के रहने वाले 12 साल के लड़के की नहर में डूबने से मौत हो गई। तीन छोटे बच्चे नहर के किनारे पानी से खेल रहे थे, उसी दौरान एक लड़का नहर में डूब गया। दोनों बच्चों ने शोर मचाया, गांव वाले पहुंचे, बच्चे को निकाला, इलाज के लिए संजय गांधी अस्पताल लेकर आए, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। 12 साल के लड़के की नहर में डूबने से गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी अस्पताल में मौत हो गई। हम आपको बता दें, अशोक कुशवाहा, पिता जितेंद्र कुशवाहा, उम्र 12 साल, बैकुंठपुर थाना अंतर्गत तिलखन गांव के रहने वाले थे। अपने दो दोस्तों के साथ नहर के किनारे खेल रहे थे। आमतौर पर गांव में बच्चे नहर के किनारे ही खेलते पाए जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे नहर के किनारे खेल रहे थे। नहर में इन दिनों सिंचाई के लिए पानी छोड़ा जा रहा है, इसलिए नहर में बहने वाला पानी कुछ ज़्यादा ही तेज गति से बह रहा है। नहर में बहाव तेज, दूसरा गहरे नहर। अशोक कुशवाहा अपने दोस्तों के साथ खेलता खेलता नहर में गिर गया। जैसे ही अशोक नहर में गिरा, दो बच्चे उसके साथ खेल रहे थे, उन्होंने शोर मचाया। तत्काल ही गांव वाले फौरन नहर के किनारे पहुंचे। अशोक को नहर से निकालने का सिलसिला प्रारंभ हुआ। थोड़ी देर में अशोक को नहर से निकाल लिया गया। प्रारंभिक उपचार के लिए गांव वाले उसको बैकुंठपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसको भर्ती करके उसके पेट से पानी निकाला। अशोक की हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने उसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल ले जाने के लिए कहा, जहां उपचार के दौरान अस्पताल में संजय गांधी में अशोक की मौत हो गई। पुलिस चौकी में प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों के हवाले कर दिया गया है। इन दिनों देखा जा रहा है, नहर में डूबने के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। इसी इलाके में पिछले दिनों तीन बहनों की नहर में डूबने से मौत हो गई थी। वहीं कुछ दिन पहले समान थाना अंतर्गत भी दो लोगों की अलग अलग मामले में मौत हुई थी। आम तौर पर देखा जा रहा है, नहर काफ़ी गहरी है, अगल बगल सुरक्षा के कोई भी इंतज़ाम नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति पानी में गिरा तो उसके निकलने के चांस नहर से ना के बराबर होते हैं। अशोक तो फिर छोटा बच्चा था, 12 साल की महज उम्र थी, पानी में गिरा, ये तो अच्छा हुआ तत्काल ही उसको बचा लिया गया, नहर से निकाल लिया गया और अस्पताल लाया गया। पेट से पानी भी निकाल दिया गया था, ये सोच कर कि शायद डॉक्टरों ने अब हम इसको बचा लें, ऐसा लग भी रहा था। लेकिन उसकी हालत लगातार बिगड़ती रही। बैकुंठपुर से डॉक्टरों ने उसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। परिजन उसको रीवा के संजय गांधी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। हमारी टीम ने रीवा के संजय गांधी अस्पताल में अशोक के परिजन से बात की, उनसे जानने समझने की कोशिश की, आखिर 12 साल के लड़के की मौत किस वजह से हो गई। उनका साफ तौर से कहना था, अशोक अपने दो दोस्तों के साथ नहर के किनारे खेल रहा था, उसी दौरान ना जाने कैसे वो पानी में गिर गया। साथ खेल रहे लड़कों ने तत्काल ही गांव वालों को आवाज़ दी। मौके पर गांव वाले पहुंचे, अशोक को निकाला, हमने तत्काल ही उसको निकाल लिया था। लेकिन रीवा के संजय गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान अशोक की मौत हो गई। सुनिए परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। जब वो पानी में खेल पानी छू रहे थे, खेल रहे थे, और फिर उसके बाद जब ये हुआ कि गिर गया नहर में, तो दो बच्चे फिर हल्ला किए, तो गांव वाले सब दौड़े, इधर हल्ला हल्ला हुआ, निकाला गया। निकालने के बाद फिर वो बैकुंठपुर लाए डॉक्टर के पास, वहाँ पानी उन्हें निकाले नहीं, वो रीवा रेफर कर दिए। रीवा लाए तो हो गया, फिर ख़त्म। आपके कौन थे है? आपके कौन थे? भतीजा है, नाती है। मतलब आपका नाम? हमारा नाम सुदर्शन कुशवाहा है। ताज़ा तरीन खबरों के लिए न्यूज नेटवर्क टुडे से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, और देखते रहिए न्यूज नेटवर्क टुडे।